अभिष्वीरा स्वस्तिनस्तारक्षो अरिष्टहस्पति ददातु। वन मोर सेफ्टी बेट। ये मेरा 50वां साल है एज एन एक्टर, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। मुझे 10 अक्टूबर 2023 के दिन पूरे 50 साल हो जाएंगे कैमरा फेस करते करते, कैमरे के सामने। मुझे इसी बात का ही मतलब घमंड कहना चाहिए, गर्व हुआ है इस बात का कि मैं 50 साल से कैमरा फेस कर रहा हूँ और भगवान ने मुझे इस लायक बना रखा है कि मैं यहाँ तक आया और आपके सामने मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। सर, पोस्टर से आपको पता चल गया कि मेरा रोल क्या है इसके अंदर? किन्नर ही है। और ये जब संजीव जी ने मेरे को नरेशन दिया था, मेरे को इतना अच्छा लगा था, मतलब फर्स्ट टाइम। बाकी तो मैंने बहुत नेगेटिव रोल कर लिए है, बट फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग एज अ किन्नर, तो बहुत चैलेंजिंग रोल है, बहुत अच्छा है मेरे लिए और सीखने के लिए भी कि यस क्या क्या करेंगे अब इसके अंदर। एक बॉक्सर है, बॉक्सर वो कैसे किन्नर बनाया जाएगा, फिर वो कैसे वहाँ से भागेगा और हमारे को मारेगा, आखिरी में मरना हमें ही है, वो बात कंफर्म है। तो लाइक अभी तो पोस्टर लॉन्च है, मूवी विल बी स्टार्ट ऑन 13th मार्च, 13th और 15th मार्च से हम फ्लोर पे चले जाएंगे और शूटिंग जो हम करेंगे वो होगी बनारस में सारी। मैं कांग्रेस करूँगा पूरी टीम को जो आज हमारा पोस्टर लॉन्च है यहाँ पे। तो संजीव जी के साथ मैंने पहले भी एक फिल्म कर चुका हूँ, बहुत अच्छी फिल्म थी वो भी। जब इन्हें मुझे ये सब्जेक्ट सुनाया तो मुझे लगा कि इसका कंटेंट जो है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही यूनिक है, बिकॉज एक बॉक्सर है वो कैसे किन्नर बनता है, तो इसका फुल रिवेंज ड्रामा। और मैं इतना रिवील अभी नहीं करूँगा, बाकी आपको फिल्म देखनी पड़ेगी उसके लिए, बट ये बोलूँगा कि कॉन्टेंट सबसे अलग है, बहुत डिफरेंट है, बहुत ही अच्छा है। सो इन पर ट्रस्ट है मुझे और बहुत अच्छा फिल्म बनाएंगे 100%। सब कुछ मिलेगा आपको, इमोशन, ड्रामा, थ्रिलर, सस्पेंस, एक्शन। फर्स्ट मतलब पहली बार सब बन रहा है बॉलीवुड में कि एक किन्नर को लेके जो मतलब जो उनका रिवेंज ड्रामा है, कैसे वो अपना बदला लेगा, कैसे ट्रेन होगा, पहले बॉक्सर होता है, मतलब इसे ट्रांजिशन इज इट्स वेरी गुड, यू शुड वॉच द फिल्म फॉर दैट। मैं जो हूँ, शॉर्ट फिल्म की थी मैंने, एक जो एक मंत्री जो रहता है, मंत्री ने एक रिपोर्टर को मार दिया था, तो उस पर मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी। सपा सरकार मेरे पीछे पड़ गई थी उस कारण, तो मुझे मुंबई भाग के आना पड़ा, तो मैं यहाँ स्ट्रगल करने लग गया। यहाँ मेरा दिमाग ये रहता था कि मैं लिखूँ, कुछ अच्छा लिखूँ। एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया कि ये रेड पंच को जब मैंने लिखा, तो लिखने के बाद कुछ चीज़ें इससे ऐसी रहीं कि मैंने जो लिख दिया वो 2 महीने बाद पूरा हो गया। जैसे लक्ष्मी नारायण जी त्रिपाठी जो हैं, कल उनका आशीर्वाद भी मुझे मिला, फ़ोन पर ही बात हुई थी, वो आ नहीं पाई। तो मैंने जब उनको मैंने लिखा था स्क्रिप्ट में कि लक्ष्मी नारायण को किन्नरों का महामंडलेश्वर बनाया गया, 2 महीने बाद उनको बना दिया गया था। तो ये मतलब ऊपर गॉड गिफ्ट है, ये महादेव की कृपा है बस। तो मैं लिखता रहता हूँ ऐसे ही। और ये फिल्म हम लोग करने जा रहे हैं, शमीम भाई ने इस पर साथ दिया है पूरा, और हम लोग कर रहे हैं इसको बनारस में। शुरू तो अच्छी हो रही है, आप लोगों का साथ है तो इस हिसाब से कर रहे हैं, मैं भी किन्नर का रोल कर रहा हूँ उसमें। देखिए, मेरा नाम रौनक अली, और जैसे कि फिल्म के पोस्टर से ही रेड पंच आप लोगों को पता चलता है कि ये फिल्म जो है किस विषय पर आधारित है। तो अब किस विषय पर आधारित है ये तो बहुत ज़्यादा डिटेल में, जैसा कि गोयल सर ने कहा, हमारे काफ़ी सीनियर हैं, जैसे गोयल सर ने कहा कि इसके बारे में आर्टिस्ट को ना ही बताने की बहुत ज़्यादा इजाज़त होती है और ना ही मेरे ख्याल से मुनासिब होता है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, यानी कि शमीम अख्तर साहब हैं, और हमारे डायरेक्टर साहब हैं श्री संजीव तुरगुरा जी, वही इसके बारे में ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं। लेकिन चूंकि उनका काम मैंने पहले देखा है, उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि ये फिल्म यकीनन समाज को एक नई दिशा देगी, जिससे इस तरह के लोग एक अपने आप में एनर्जी और ताकत महसूस करेंगे, जो समाज के अंदर उनका तिरस्कारित नज़रों से देखा जाता है। यकीनन इस फिल्म को देखने के बाद में उनको भी एक बेहतर जिंदगी जीने की एक दिशा मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। एक्चुअली मैंने ये मूवी में काम नहीं किया है, पर मैं सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। मेरे फ्रेंड है योगी राज, तो उनकी ये मूवी है और आज पोस्टर लॉन्च है, तो मैं उनको सपोर्ट करने के लिए स्पेशल आई हूँ। सो कंग्रेचुलेशन योगी राज, आपकी PVR के अंदर आपका पोस्टर लॉन्च हो गया। बहुत अच्छा लगता है जब अपने दोस्त और अपनी पिक्चर का जो पोस्टर लॉन्च हो, ट्रेलर लॉन्च हो, तो बहुत अच्छा लगता है। सो गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यू द ऑल टीम्स, इनके जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ऑल एक्ट्रेस,
मैं सबको कॉन्ग्रेट्स करना चाहूँगी। मैं नमस्कार, मैं एक्टर प्रोड्यूसर विकी हाडा। मैं सबसे पहले तो बधाई दूंगा योगी राज को, योगी राज मेरा फ्रेंड है, और पोस्टर इतनी अच्छी जगह लॉन्च हुआ है तो मुझे लगता है कि सिनेमा भी इतनी अच्छी, इससे बड़ी जगह लॉन्च होगा और बहुत चलेगा, क्योंकि क्योंकि सभी लोग अभी वापस से सिनेमा आ गया है, हम लोग कोविड से बाहर आके और सभी लोग काम कर रहे हैं, इसकी बहुत खुशी है मुझे। और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट आने लगे हैं, ये एक अलग तरह का सब्जेक्ट है, क्योंकि मेरे उसके साथ में डिस्कस हुई थी तो उसने कहा कि ये थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट है और वो पहली बार ऐसा कुछ अलग काम कर रहा है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं उनको, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और सब मीडिया को जो आप उसे कवर कर रहे हैं। थैंक यू सर। उनके बारे में बताइए। हमाद, मिंटू, सना खान, फिरोज खान और बाकी हमारे डायरेक्टर सब पूरे लोगों को बताएंगे। बनारस, हाँ, 5 घरें हैं। नहीं, ये हमारी फिल्म किन्नर के ऊपर पूरी है, क्या समझ, उसके ऊपर ये पूरी फिल्म है। सबसे पहले आप सभी का नमस्कार, मैं हूँ सना अली खान और रेड पंच में मैं एक बहुत ही अच्छे भूमिका में नज़र आने वाली हूँ। बेसिकली एक किन्नर हूँ और अभी रिवील कर देती हूँ, मैं किन्नर का एक्ट प्ले कर रही हूँ उसमें। और ये फिल्म काफ़ी, आई थिंक मैं 5 ईयर से वेट कर रही थी इस फिल्म के लिए, अब जाके फाइनल हुआ है कि अब हम फाइनल शूट करने जा रहे हैं मार्च में, जैसा कि सर ने बताया कि ये मार्च में शूटिंग होगी। तो हम सब बहुत एक्साइटेड हैं और ये एक चैलेंजिंग रोल है मेरे लिए और मुझे लगता है कि मैं इस रोल को बाखूबी निभा सकती हूँ। तो बस आप लोग अपना आशीर्वाद और प्यार दीजिए, ये फिल्म बहुत अच्छी बने और सारे आर्टिस्ट को भी आप लोग अपना प्यार स्नेह दीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट, स्टोरी, और उसके बाद आती है टीम। तो मुझे जब पता लगा हमाद से, इन्होंने डायरेक्ट करी है बहुत अच्छी भी पिक्चर, और मैं जब कॉन्सेप्ट और स्टोरी सुनी तो मैं हिल गया। मैंने कहा यार यही मेन है, ऑडियंस को आज के डेट में बेवकूफ नहीं बनना चाहिए, आज के डेट में अच्छी स्टोरी, अच्छा स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स हों, और उसके बाद फिर टैलेंटेड एक्टर हों ऐसे तो अपने आप, और ऐसे डायरेक्टर हों इतने बढ़िया, तो फिर काम बन ही जाता है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कॉन्सेप्ट और लुक बहुत अच्छी लगी। आप पोस्टर देख के देख सकते हो हमारे भाई का एक एक्सप्रेशन, इनके एक्सप्रेशंस, पता लग जाता है कि मेहनत हुई है। और माय बेस्ट विशेज़।